डियर स्टूडेंट्स, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर फाइव है और इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि यह कोई एक साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को साधारण वीडियो समझने की भूल ना करें। इसमें जो मेथड्स बताया गया है वो आप लोगों को हमेशा काम आएगा। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, मैथमेटिक्स में आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो मेथड यहाँ पे बताया जाएगा, ये इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है, चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग, तो यहाँ पे जो चीज़ बताया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों की, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो मैथ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैक्टर्स, ये तो चैप्टर का नाम ही है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो फिर चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। फैक्टर्स बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, फैक्टर्स ये है। और फैक्टर्स किसे कहा जाता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आप सीधे शब्दों में समझिए, क्योंकि घुमा फिरा के बतलाना, बुक्स में तो दिया रहता है, सारा कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसे ना समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं, ना सीख पाते हैं। तो इसीलिए टीचर्स को होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल सच बात है। आज सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्या सारे बच्चे सीख पाते हैं? तो इसीलिए जो है इसको मैं बता रहा हूँ आपके अपने लैंग्वेज में, आप जिस भाषा में समझते हैं, आम भाषा में। तो फैक्टर्स आप समझिए कि किसी नंबर को जिस नंबर से काटा जाता है, जिस नंबर से वो कटता है, कोई भी नंबर, सपोज आप ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, समझने में आसान होगा, 8 ले लेते हैं, ये 8 हो गया, तो ये किस किस नंबर से कटेगा? तो समझिए कि ये किस किस नंबर से कटेगा, 8 को काटते हैं हम, 1 से कटेगा, 1 आप समझिए कि 1 हर किसी नंबर का फैक्टर है, 1 आना ही आना है। उसके बाद 2 से कटेगा, 2 का टेबल से, ये कट गया। उसके बाद 3 से अगर हम काटते हैं, नहीं कटेगा, 3 का टेबल में 8 नहीं आता है। 4 से काटते हैं तो ज़रूर कटेगा, ये 4 से कट गया। 6 से नहीं, 7 से नहीं, और फिर अंत में 8 से कटेगा, ये 8 से हो गया। सीधे शब्दों में समझिए कि जिस नंबर से कटेगा तो ये सारा नंबर जो है 8 का फैक्टर्स है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4, 8, ये सारे नंबर जिस टेबल से कट रहा है 8, वो सारे नंबर्स जो है इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट चलिए हम लोग 32 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। अब इसको 1 से कटेगा, 1 सबसे पहले आएगा ही आएगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 2 से ये क्यों कटेगा अभी इसके आगे आप लोगों को मिलेगा कि कैसे ये पता चल रहा है कि 2 से कट रहा है, इसके ठीक आगे में है, मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद 3 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि 3 में 30 आता है और 33 आता है उसके बाद 3 से नहीं, तो 4 से, तो 4 से कटेगा 4। उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटने वाला है, 7 से नहीं कटने वाला है, 8 से कटेगा, 8 4 32 होता है, तो 8 से कटेगा, और फिर कटेगा ये 16 से कटेगा, इसके बाद 32। तो आप देख रहे हैं कि 1 सबसे पहले रहेगा और लास्ट में ये खुद रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं। बस इसी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि फैक्टर्स जब निकालने के लिए आप लोगों को बताया जाएगा, आगे इसका क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, जब फैक्टर्स निकालने के लिए बताया जाएगा सबसे पहले 1 रहेगा और इसके बीच में लास्ट में ये 32 रहेगा। इस तरह से प्लस जो है ये 2 से कटा है, तो 2 से कितना बार में कटा है ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे, और 4 से कटा है तो 4 से कितना बार में कटा है, तो इससे ये मिलेगा आप लोगों को। जैसे ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 32 मिल जाएगा। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 32 मिल जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या मिलेगा, 32 मिल जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे को मैच करता है। ये हो गया फैक्टर्स, आपको आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद मल्टीपल्स आप देख रहे हैं, तो मल्टीपल्स आप सीधे शब्दों में समझिए इसको। मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी नंबर का जो है वो टेबल जो होता है वही मल्टीपल्स होता है। टेबल सीधा सीधे समझ लीजिए, 8 जो है यहाँ पे इसका जो है फैक्टर्स जो है, तो फैक्टर क्या है, सारा नंबर जो है या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, वही इसका फैक्टर है। और मल्टीपल्स में क्या होता है, सपोज हम 8 ले लेते हैं, 8 यहाँ भी 8 लेते हैं, अब इसका मल्टीपल्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो मल्टीपल्स में क्या होता है, सीधा सीधे इसका टेबल लिख दीजिए, मल्टीपल्स में सिर्फ टेबल होता है। तो ये 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, और ये इस तरह से चलते रहेगा। ये मल्टीपल्स हो गया, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 5 ले सकते हैं, 5 का टेबल ले लीजिए, 5 10 15 20 25, और ये चलता रहेगा।
इस तरह से, ये जो है ये इस नंबर पे आके उसी नंबर पे आके खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो है मल्टीपल्स इंडलेस है, वो चलता रहेगा, ये मल्टीपल्स है। और मल्टीपल्स जो होता है यहाँ इसके बराबर से ये शुरू होगा और वो और बड़ा नंबर मिलते जाएगा, और इसमें क्या है ये छोटा नंबर से शुरू होगा, वन से शुरू होगा और उस पर इस पर जाके समाप्त हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया, मल्टीपल्स क्लियर हो गया। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इस चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो कहने का मतलब है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब यह है कि कौन सा नंबर जो है किसको काटता है, कौन सा नंबर टू से कट रहा है। कोई भी बड़ा नंबर आपको मिल गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर टू से कटता है या नहीं कटता है। जैसे कि हम अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पे जो 32 है, 32 टू से कट रहा है, थ्री से कट रहा है या नहीं कट रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो रूल्स दिया हुआ है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल्स जो है, उसी से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है। तो डिविजिबल बाय टू मतलब कौन सा नंबर टू से डिविजिबल है, कटता है। सबसे पहले इसका एक नियम है, तो उस नियम को ही हम लोग लिख लेते हैं। सबसे अब जान लीजिए कि जिस नंबर के लास्ट में जीरो होगा, टू होगा, फोर, सिक्स, एट, ये एक रूल है कि जिस नंबर के लास्ट में ये सब नंबर होगा वंस प्लेस पे, जिस नंबर के वंस प्लेस पे ये सब नंबर होगा वो नंबर टू से कटेगा। आंख मूंद के आप उसको बोलना है कि ये टू से कटेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। या तो ये खुद जो है ये सब खुद भी टू से कटने वाला नंबर है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 7584। अब इतना बड़ा नंबर लेके आ गया कोई भी, बोलेगा टू से कट रहा है या नहीं कट रहा है, बोल सकता है। आप आंख मूंद के बोलिए, यहाँ वंस डिजिट आप देखिए, यहाँ पे फोर है, ये इवन नंबर है, इवन और तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये इवन नंबर है। जब आप इवन नंबर आप देखेंगे तो आंख मूंद के बोलना है कि ये नंबर टू से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर और भी बड़ा नंबर ले लीजिए 84750, इतना बड़ा नंबर ले लिए। अब यहाँ पे लास्ट में देखना है, यहाँ पे वंस प्लेस पे जीरो है और यहाँ जीरो है, मतलब है कि ये नंबर टू से कटेगा, हो गया, इतना आसान सा है बस। और इसके बाद थ्री से डिविजिबिलिटी, इसका नियम क्या है, सारे बहुत इजी है, बस समझने का फेर है। मैथ पूरा मैथ ही इजी होता है, बस जब तक आपको समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ा पहाड़ महसूस होगा, और समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है। तो डिविजिबल बाय थ्री, इसको समझिए, कोई भी नंबर दे दिया, सपोज ये नंबर है, आपको ये नंबर दिए हुए हैं, अब इसी को कोई बोल दे कि थ्री से कट रहा है या नहीं कट रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 84750, जब बोल दिया कि ये बताओ कि ये थ्री से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो क्या करना है, सबको प्लस कर देना है, प्लस कर देते हैं 8+4+7+5+0, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ जुड़ने में, तो यहाँ पे 7512 हो गया, 12 और इधर भी 12, 84 12 और इधर भी 12, 24 हो गया 24। अब अगर ये भी नहीं पता है थ्री का टेबल में 24 आता है या नहीं आता है, ये नहीं पता है, तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए 2+4 कितना हो गया 6, अब तो पता चल जाएगा कि थ्री में 6 आता है। जब थ्री का टेबल में 6 आता है, इसका मतलब है कि ये थ्री से कटेगा, आंख मूंद के आप लोगों को बोल देना है कि ये थ्री से कटेगा, डिविजिबल है, बस खत्म हो गया ये। और उसके बाद फोर, डिविजिबल बाय फोर, ये रूल्स जो है तो ये भी काफ़ी आसान है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 7948 6 4, कितना बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई भी बोल दिया कि बतलाओ कि ये नंबर फोर से डिविजिबल है, कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जान लेना आप लोगों को, ये जो है इसका दो डिजिट देखना है, ये दो डिजिट फोर से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कुछ भी करके देख सकते हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या यू ही पता कर सकते हैं कि 4 4 1 जा 4, यहाँ 2 बच गया और यहाँ पे 4 2 4 24 होता है, तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, इसका मतलब है कि 4 से ये दो डिजिट कट रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, बोलना है कि ये जो नंबर है वो कम्प्लीटली 4 से कट रहा है, ये दो डिजिट जिसका नहीं कटेगा उसको बतलाना है कि ये कम्प्लीटली 4 से वो नहीं कट रहा है। या फिर एक रूल्स और है, कुछ भी आप नंबर ले लीजिए 2578 00, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में वंस और टेंस प्लेस पे 00 है, इसका मतलब आपको आंख मूंद के बोलना है कि ये 4 से डिविजिबल है, ये एक रूल्स हो गया इसमें। या फिर ये जो है दो डिजिट आप चेक कर लेंगे कि ये कट रहा है तो सारा कट रहा है, और अगर 20 है तो फिर समझ लीजिए कि वो 4 से डिविजिबल है, आंख मूंद के बतलाना, बस ये कंप्लीट हो गया डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 5 ये है, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। इसका नियम यह है कि जीरो, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो, बस ये दो रूल्स है इसमें।
किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे जीरो हो या फाइव हो तो आंख मूंद के बतलाना है कि वो नंबर फाइव से डिविजिबल है। कुछ भी ले लीजिए, 6, 8, 9, 5 कोई अगर पूछ दे कि ये नंबर फाइव से डिविजिबल है या नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ देखना, वंस प्लेस पे सिर्फ यहाँ पे देखिए ये फाइव है या जीरो है, दो में से कुछ भी रहेगा तो वो फाइव से डिविजिबल है। बिल्कुल आपको बेहिचक बोलना कि ये जो फाइव से डिविजिबल है, या इसके बाद अगर हम जीरो लगा देते हैं उसके बाद भी ये फाइव से डिविजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस ये दो रूल ही इसमें काम करता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये सारा चीज़ अगर आप जान गए तो मैथ का बहुत बड़ा ट्रिक्स आपको काम करेगा और बहुत बड़ा चीज़ जो काफ़ी बड़ा बड़ा मैथ आप बना सकेंगे, कहीं भी फंसेंगे नहीं। इसके बाद सिक्स से, तो डिविजिबल बाय सिक्स, तो इसका रूल्स क्या है? इसका रूल्स है जो नंबर टू का टेबल से, टू का टेबल और थ्री का टेबल, टू का टेबल एंड थ्री का टेबल दोनों टेबल से कटता हो, ये टू थ्री या सिक्स होता है, तो ये दोनों का टेबल से जो नंबर कटता हो उसको वो नंबर जो है सिक्स से कटेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 7, 5, 8, 6 ये नंबर हम ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए ये टू से कट रहा है क्योंकि यहाँ पे सिक्स है, इवन नंबर, और इसको जोड़ के देखते हैं ये 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया और ये 6, 26 तो थ्री का टेबल में 26 नहीं आता, थ्री का टेबल में 26 नहीं आता। अगर इसमें से किसी को हम बढ़ा दें, अगर हम इसको सिक्स कर दें 27, तो 27 जो है वो थ्री का टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये टू से भी कट रहा है और थ्री से भी कट रहा है, तो ये सिक्स से डिविजिबल है। बस आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि टू का टेबल और थ्री का टेबल दोनों का टेबल से अगर कट रहा है, हालांकि इससे आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आगे आप लोगों को मिलेगा, मैं इसी में बताऊंगा। तो बस इसमें ध्यान रखना, ये चीज़ टू का टेबल से और थ्री का टेबल से कट रहा है, इसका मतलब है कि सिक्स का टेबल से कट रहा है। खत्म हो गया, तो इसका आगे डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबल बाय सेवन, तो कौन सा नंबर सेवन से कटता है कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ रूल्स है, इसका थोड़ा सा लंबा रूल्स है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा है, ध्यान में रखना होगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 3, 3, 6 एक नंबर ले लेते हैं और इसको पता करते हैं कि क्या ये सेवन से कटता है या नहीं कटता है। हालांकि ये बुक में दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी जब मैं बतला रहा हूँ तो एक एक करके सारा बतला देता हूँ, जो जरूरी है उतना मैं बतला देता हूँ। तो ये जो है सेवन से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको डबल कर देना है और बाकी जो बच जाता है उससे माइनस कर देना है। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 33 माइनस इस सिक्स जो है इसको हम डबल कर देते हैं, 6, 2 जो 12 हो गया, तो इसको 12 हो गया। अब 33 में 12 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 3 में से 2, 1 और 3 में से 1, 2, 21। तो हम लोग को ये देखना है कि ये जो नंबर आ रहा है वो सेवन से डिविजिबल है या नहीं, तो 21 सेवन से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये नंबर सेवन से डिविजिबल है, पता चल जा रहा है हम लोग को। इस तरह से और भी कोई एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सपोज दैट 2, 3, 5, 2 ये नंबर ले लेते हैं और ये पता करते हैं, जैसे कि ठीक उसी रूल्स पे चलते हैं, ये जो है जैसे कि ये थ्री डिजिट रखें और वंस प्लेस में जो नंबर है उसको डबल करके माइनस कर देते हैं, 2, 3, 5 और ये 4, तो 5 है यहाँ पे, 2, 31 हो जाएगा, 2, 31। अब 2, 31 में से क्या करेंगे, 23 रखना है और इसको डबल करना है, 23 को हम रखें और इसको 1 को डबल करके माइनस कर देते हैं, तो 1 को डबल किया तो 2 हो गया और फिर आ गया 21। तो ये अगर नंबर आता है या फिर 0 आ जाता है यहाँ पे इस तरह से करने पर तो वो 7 से डिविजिबल होगा, या फिर 7 से कटने वाला नंबर आता है तो वो 7 से डिविजिबल होगा। तो बस इस तरह से करके देख लेना है, पता चल जाएगा कि 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं है। उसके बाद 8 आसान है, तो किस तरह से आसान है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, कैसे पता चलेगा? कोई भी नंबर ले लेते हैं 8 से वो डिविजिबल है या नहीं है, 7, 8, 4, 6, 5 यहाँ तो कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि ये आसानी से नहीं पता चलेगा क्योंकि इसका 3 डिजिट, जैसे 4 में क्या था 2 डिजिट पता करना था कि डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 डिजिट पता करना है कि ये डिविजिबल अगर है तो फिर सारा नंबर डिविजिबल है। 8 से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन 8 का आप लोगों को ज़्यादा बनाने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, या तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए या फिर आप यूँ ही डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 का टेबल में क्या आता है, 4, 5 जा 40 आता है और 4, 6 जा 48 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो गया, तो 40 आ गया, तो 40 कट गया हाँ इसमें से, तो 6 बचा, तो 65। 8 का टेबल में 65 नहीं आता है, 64 आता है,
तो इसका मतलब है कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अब ध्यान में रखना है कि 3 डिजिट आपको देखना है कि वो कट रहा है तो 8 से डिविजिबल है और नहीं कट रहा है तो 8 से डिविजिबल नहीं है। या फिर एक नियम इसका और है कि कोई भी नंबर ले लेते हैं 6 4 7 1 2 3, या फिर लास्ट में अगर 3 डिजिट 0 है, 3 तो 0 लास्ट में अगर है वंस टेंस और 100 प्लेस पे, तो फिर आँख मूंद के इसको बतलाना है कि ये 8 से डिविजिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बस ये 2 रूल्स काम करता है 8 पे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों को अगर याद रखने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखना है आप लोगों को, और प्रैक्टिस भी कर लेना है। इसके अलावा बुक में आपका सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ एक एक करके। डिविजिबल बाय 9, अब 9 से कैसे पता चलेगा, तो 3 का जो नियम था वही चीज़ 9 में काम करता है। कुछ भी नंबर ले लिया, सपोज यहाँ ऊपर में जो नंबर लिए हैं उसी को ले लेते हैं, 7 8 ले लेते हैं, 7 8 और 4 6 5 ये नंबर लिए, और पता करना है कि ये 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कोई भी आपको पूछ दिया कि मतलब कि ये नंबर कट रहा है 9 से या नहीं कट रहा है, तो क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। प्लस कर देते हैं, 7 + 8 + 4 कितना हो गया, 15 हो गया, और ये 4 19 हो गया, +6 25 हो गया, और +5 25 हो गया, और 5 30 हो गया, तो 30 तो 30 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, 39 के टेबल में नहीं आता है। अगर इसमें से 36 आता है तो हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा, इसमें 6 डिजिट और प्लस करना पड़ेगा। अगर सपोज ये इसमें 6 हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 36, और 36 होने पर क्या होगा, 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 रख देते हैं तो ये 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरह से जोड़ के देखना है, वो नंबर 9 का टेबल में आना चाहिए, 3 का टेबल में नहीं। 3 से इसी तरह का रूल है, तो ये नहीं समझना है कि 3 का टेबल में अगर 30 आता है तो 9 से भी कट जाएगा, वैसा नहीं है। 9 का टेबल में आता है तभी वो 9 से कटेगा, अदरवाइज वो कटने वाला नहीं है। ये हो गया। उसके बाद डिविजिबल बाय 10, ये भी आसान है, काफ़ी आसान है। डिविजिबल बाय 10 में कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ 0 का नियम होता है। जिस नंबर का वंस प्लेस 0 है तो वही 10 से कटेगा, अदरवाइज कोई भी नंबर कटने वाला नहीं। कुछ भी लिख दीजिए, 2 5 6 0, अगर ये है तो कटेगा क्योंकि यहाँ 0 है वंस प्लेस पे, अगर नहीं है तो नहीं कटेगा, इसमें और कोई भी नियम अप्लाई नहीं होता। अब डिविजिबल बाय 11 का भी रूल्स है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है। तो 11 का रूल्स में क्या होता है, सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये एक नंबर है इसको ले लेते हैं, और पता करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। हमको डिवाइड देना नहीं है, फिर भी पता करना है कि ये 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि ये 1 में फर्स्ट में आया तो ये इवन हो गया, ये 1 है, मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। इस तरह से सपोज मान लेते हैं, तो 1 मतलब हो गया ये ऑड प्लेस हो गया, ऑड प्लेस हो गया, और ये भी ऑड प्लेस हो गया, और ये इवन हो गया इवन, और ये भी हो गया इवन। तो ऑड प्लेस एक जगह पे प्लस हो जाएगा और इवन प्लेस एक जगह पे प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, सम ऑफ ऑड, पहले ऑड आ रहा है तो ऑड ले लेते हैं, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे क्या क्या है उसको प्लस कर देना है, इक्वल टू 8 है और ऑड प्लेस पे 0 है, तो 8 + 0 इक्वल टू 8 ही आ रहा है। अब सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस, अब इसमें क्या है, इसको इवन प्लेस पे 7 है +1, 7 + 1 तो इसमें भी 8 आ रहा है। तब क्या करना है, ये दोनों 8 को माइनस कर देना है, 8 - 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, अगर इस तरह का करने के बाद 0 आता है तो हमको पता चल जाएगा कि वो 11 से डिविजिबल है। या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा, या 11 से 11 का टेबल में जो आता है वो नंबर आएगा, या फिर 11 से कटने वाला नंबर आएगा। तो 11 का टेबल में जो आएगा, जो नंबर आएगा, उसी को हमको पता चलेगा कि वो 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अदरवाइज कोई बड़ा नंबर आता है तो फिर तो उसको छोटा करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि हमको 11 से डिविजिबल है या। तो इस तरह से इसका नियम ये है, सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस को प्लस करना है और दोनों को माइनस कर देना है, या तो 0 आएगा या तो 11 से कटने वाला नंबर आएगा। उसके बाद आ गया, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अगर आप ऑनलाइन खोजेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ एक लिस्ट बना होता है जिसमें प्राइम नंबर का लिस्ट दिया रहता है, जिसमें से 1 जो है 1 प्राइम नंबर नहीं होता है और ना ही कंपोजिट नंबर, ये दोनों में से दोनों नहीं होता। इसको 1 को यूनिक नंबर बोला जाता है, यूनिक नंबर 1 जो है यूनिक नंबर है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो फिर प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 और वो खुद, मतलब सिर्फ दो ही फैक्टर हो, 1
और वो खुद। सपोज हम ले लेते हैं किसी का भी, अगर फैक्टर हम निकालते हैं, टू का फैक्टर लेते हैं, टू का फैक्टर क्या होगा, वन होगा और टू होगा, इसका फैक्टर सिर्फ दो है। हम थ्री का फैक्टर लेते हैं, थ्री, तो थ्री वन होगा और थ्री होगा, दो ही फैक्टर है। और हम फोर का फैक्टर लेते हैं, तो फोर का फैक्टर क्या होगा, वन होगा, टू होगा और फोर होगा। ये फैक्टर इसका आ जाएगा, ये फैक्टर इसका और ये इसका, मतलब दो किसका है, इसका है और इसका है, इसके अलावा और आगे मिलेगा, तो सारा बना के यहाँ दिखाऊंगा नहीं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मतलब जिसका फैक्टर दो आएगा वो प्राइम नंबर है और जिसका ज़्यादा आएगा वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम और कंपोजिट जस्ट एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टा है। जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नहीं है और जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, जैसे कि ये टू थ्री हो गया प्राइम नंबर और ये फोर हो गया कंपोजिट नंबर, इसमें टू से अधिक फैक्टर आ रहा है। तो कुछ जो है आप लोगों को याद रखना है प्राइम नंबर, जैसे कि ये टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन नाइनटीन और ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री, कम से कम आपको इतना नंबर याद रखना है, इतना में आपका काफ़ी सारा मैथ बन जाएगा, इसके आगे बहुत कम आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद कंपोजिट नंबर तो आप लोगों को बतला दें, जिसका फैक्टर दो से ज़्यादा है, उसका एक लिस्ट मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को यहाँ पे डिफरेंट किया हुआ है, तो इस तरह से आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसका पिक्चर वगैरह मिल जाता है। और कंपोजिट नंबर में आप लोगों को पता चल गया कि दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया मैंने ये सेवन है तो इसके बीच में क्या है नाइन है, तो नाइन अगर हम लेते हैं तो नाइन किससे कटता है, वन से कटेगा, थ्री से कटेगा, उसके बाद नाइन से कटेगा, इसमें क्या है, इसमें दो से ज़्यादा हो गया। ट्वेल्व ले लेते हैं, ट्वेल्व तो किससे कटेगा, वन से कटेगा, टू से कटेगा, थ्री से कटेगा और सिक्स से कटेगा, उसके बाद फिर ट्वेल्व से कटेगा, तो वन टू थ्री सिक्स हो गया, उसके बाद ट्वेल्व से कटेगा। यहाँ पे और एक नंबर छूट रहा है, टू फोर से कटेगा, फोर से भी कटता है, ये फोर से कटेगा, फोर का टेबल में ट्वेल्व आता है, इससे कटेगा और इसके साथ ये मैच कर जाएगा, फिर इसके साथ ये मैच करेगा और इसके साथ ये मैच कर जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से ये ट्वेल्व जो है कंपोजिट नंबर हो गया, तो कई सारा कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर्स की संख्या ज़्यादा होगा, प्राइम नंबर की संख्या कम होगा। तो इस तरह से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जितना सारा कुछ चैप्टर में दिया हुआ है और सारा कुछ इसमें मैं नहीं बतला सकता, लेकिन जो कुछ भी छूट जाएगा तो उसको एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसके दरमियान आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, अदरवाइज जो है फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होगा। अब हम लोग इसमें और कुछ क्या कुछ दिया हुआ है, इस चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको इसको बोला जाता है गुणनखंड बोला जाता है हिंदी में, तो कोई भी नंबर को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, जैसे 24 हो गया, 24 हो गया, अब इसको जब बोला जाए कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसको इस तरह से काटा जाता है। तो यहाँ पे जिस नंबर से हम काटेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से काटना है, फोर से नहीं काटना है। जैसे फोर से तो कट जाएगा, सिक्स से भी कट जाएगा, लेकिन हमको फोर और सिक्स का यूज़ नहीं करना है, हमको क्या करना है, टू यूज़ करना है, टू प्राइम नंबर है। इसीलिए ये कितना बार में जाएगा, ट्वेल्व बार में चला गया, फिर से हम टू यूज़ कर सकते हैं, कितना बार में जाएगा, ये सिक्स बार में जाएगा, उसके बाद फिर हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, कितना बार में जाएगा, ये थ्री से जाएगा, इस तरह से ये पूरा कट गया। तो ये जो है इसका फैक्टराइजेशन टूट कर जो आएगा ये इतना ही आएगा, जैसे टू टू जा फोर हो गया और फोर टू जा एट हो गया और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे जो 24 ये टूट के जो बनेगा वो ये प्राइम नंबर का श्रृंखला होगा, इसमें सारा प्राइम नंबर ही रहेगा, जैसे टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, इसमें सारा प्राइम नंबर है और ये जो है मल्टीप्लाई होकर आएगा क्या 24, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आप लोगों को बनाने के लिए मिलेगा चैप्टर में, उस समय आप लोगों को और समझ में आएगा। उसके बाद HCF मिलेगा, HCF जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर, जब दो नंबर या तीन नंबर रहता है तो कॉमन, उसको एक जगह पे कौन सा वो मिलता है। तो HCF आप लोगों को जब मिलेगा, कोई बड़ा सा नंबर रहेगा या छोटा नंबर भी रहेगा, सपोज मान लेते हैं 24 8 मान लेते हैं और 24 मान लेते हैं, इसको जब आपको HCF निकालने के लिए कहेगा तो HCF और कई तरीके से निकाले, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, लेकिन कॉमन तरीका ये होता है, जैसे इसको एक डिवीजन तरीका होता है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, यूजेबल है, और ये जो है 24, तो इसका 8 से ये कट जा रहा है, थ्री बार में कट जा रहा है, 8 3 24, तो ये कट गया, ये ख़त्म हो गया। लेकिन ये इसका ये आंसर क्वेश्चन जो आता है वो आंसर नहीं होता है, इसका आंसर इधर होता है, 8 मिलेगा, ये 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सपोज इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 8 का फैक्टर निकालते हैं,
क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 होगा, 8 24 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 6 8, और 12 हो गया, इसके बाद 24 हो जाएगा, 24 ये, अब ये सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, तो कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये आंसर हुआ 8, इधर वाला तो ये इसमें भी वही आंसर हुआ 8, इस तरह से पता चलेगा। और एलसीएम, एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हाईएस्ट था, यहाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे मल्टीपल है, ध्यान देना है इस बात पे। तो यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज इसको बनाने का सिंपल तरीका है, 8 हो गया, 12 हो गया और 6 हो गया, इस तरह से हम ले लेते हैं, और इसको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, तो एलसीएम हम इस तरह से निकालते हैं, सिंपल वे हो गया ये इसका, सबसे इजी वे। तो हमको यहाँ देखना है कि ये कौन सा टेबल से कट रहा है, इसमें से कम दो नंबर कटना चाहिए, तो ये 2 से तीनों नंबर कट रहा है, 2 हम ले लेते हैं, 4 बार में कट रहा है, ये 6 बार में कट रहा है, और ये 3 बार में कट रहा है, तो फिर से हम देखते हैं कि 2 बार में ये तो कट रहा है और 3 बार में ये दोनों कट रहा है, तो 2 से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ले लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और ये नहीं कटेगा, जो वो रहेगा ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 2 से अब नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है, ये दो नंबर कट रहा है, तो 3 से काट देते हैं, ये 2 ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये 1 बार में और ये 1 बार में, इतना बस इस तरह से हो जाएगा, और जो बच जाएगा 1 का कोई यहाँ वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 जा 4 हो गया, ये इस तरह से हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12 हो गया, 12 2 जा 24, यहाँ पे 24 इसका आंसर आएगा, एलसीएम अगर बोलेंगे तो 24 आएगा, इस तरह से। इसके अलावा इसका और भी अलग अलग नियम है बनाने का, और आप लोगों को वो सारा एक्सरसाइज में मिलेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे लगभग मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, और बाकी कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही काम का वीडियो है, आप लोगों को हमेशा मदद करेगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।